गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी कंटिन्यू अवर क्लास 11th चैप्टर 2 टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स जो हमारी थी अकाउंट्स की। तो इसमें 15th टर्म पे थे, दैट इज लॉस। लॉस क्या होता है? द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड, एक निश्चित समय के सभी एक्सपेंसेस ओवर इट्स रिलेटेड रिवेन्यूज, इससे संबंधित जितने भी रिवेन्यूज थे, एक्सपेंसेस अगर उससे अधिक हो गए हैं, एक्सपेंसेस अधिक हो गए और रिवेन्यू कम हो गए, ये प्रॉफिट का अपोजिट हो जाते हैं। इट टर्म्ड एज लॉस एंड इट डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी, जो बिजनेस के ओनर की कैपिटल है ये उसको कम कर देता है। प्रॉफिट ओनर्स की इक्विटी को इनक्रीज करता है और लॉस ओनर की इक्विटी को, ओनर की इन्वेस्टमेंट को, ओनर की कैपिटल को, ओनर होता है बिजनेस का मालिक, उसे कम करता है। तो ये फिलअप्स की फॉर्म में भी आ सकता है, वन मार्क्स में आपके पास। सेकंड, लॉस को ही दूसरे टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं? इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट, कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा फैक्ट जिसके बदले, कोई ऐसा खर्च जिसके बदले फर्म को कोई भी लाभ प्राप्त ना हो। फॉर एग्जाम्पल, लॉस बाय थेफ्ट, अगर बिजनेस में कोई लॉस हो गया तो ये क्या होता है? हमारा लॉस। नेक्स्ट करेंगे हम वाउचर। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसका एक प्रूफ जरूर होता है। आप कोई भी वस्तु खरीदते हो, अगर आप उसको नगद खरीदते हो तो आपको कैश मेमो मिलता है। तो वाउचर क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एविडेंस यानी कि प्रूफ या सबूत कह सकते हो आप इसे, इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, जो उस ट्रांजैक्शन को फाइनल करता है, इज नोन एज वाउचर। फॉर एग्जांपल, इफ वी परचेज गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो, एंड इफ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस। मतलब अलग अलग लेन देन के समय जो वाउचर हमें, जो हमें प्रूफ मिलते हैं, उनका नाम अलग अलग होता है। कैश परचेज के टाइम हमें जो मिलता है वो मेमो होता है, क्रेडिट परचेज के टाइम हमें जो मिलता है वो इनवॉइस होता है। अगर हम किसी को कोई भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हमें जो मिलता है वो रिसीप्ट होती है, जिसे आप रसीद भी कहते हो। नेक्स्ट, गुड्स। गुड्स वो सभी वस्तुएँ होती हैं जिसका एक बिजनेस मैन, जिन वस्तुओं या सेवाओं का वो बिजनेस कर रहा है। द प्रोडक्ट्स विच ए बिजनेस यूनिट बाय एंड सेल, और प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड सेल, जिन वस्तुओं को वो खरीद रहा है और बेच रहा है, या फिर प्रोड्यूस एंड सेल, उत्पादित कर रहा है और बेच रहा है। फॉर एग्जांपल, फॉर ए फर्नीचर डीलर, फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या है? टेबल एंड चेयर है, जो वो गुड्स है। लेकिन दूसरी यूनिट्स के लिए जो टेबल चेयर हैं वो एसेट्स है या संपत्तियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक मींस द गुड्स इन हैंड एट ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब जो वस्तुएं इस समय हमारे पास हैं एट ए स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय पर जिन वस्तुओं का हम लेन देन करते हैं, उन्हें हम एकदम से सारी तो सेल होने जाएंगी, तो जो उनको हम जितनी मात्रा हमारे पास उसकी एक समय पर है, उसे हम स्टॉक कहते हैं। वर्ष के अंत में या अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो सामान बचता है, जो गुड्स बचती हैं, उन्हें हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और नेक्स्ट ईयर यही सामान ओपनिंग स्टॉक माना जाता है। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स आर द पर्संस वो बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट, मतलब हमने जिन व्यक्तियों को उधार सामान बेचा है या जिन व्यक्तियों ने हमसे सामान खरीदा है, वो टोटल अमाउंट जो लोगों ने हमें देना है, वो टोटल अमाउंट क्या कहलाते हैं? डेटर्स। और डेटर्स को हम व्यवसाय की संपत्तियां मानते हैं, क्योंकि बिजनेस में बाद में वो हमें भुगतान करेंगे ही करेंगे। एंड लास्ट टर्म इज क्रेडिटर, द पर्सन और एंटिटी हु प्रोवाइड अस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। अब जिन व्यक्तियों से हमने उधार सामान खरीदा है,
तो हमने उनको अमाउंट देना होगा. तो द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग इन फेवर ऑफ दैट पर्सन और एंटिटीज कॉल्ड एट द क्लोजिंग डेट, जब वर्ष के अंत में जितना पैसा हमने उनको देना है, टर्म्स एज सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, और उन्हें हम अपना दायित्व मानते हैं.